हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोस। तो मित्रों, आज हम मेष लग्न की कुंडली में बात करेंगे। इससे पहले चार वीडियोज हमने बना रखे हैं, आपने नहीं देखा है तो मेष लग्न की कुंडली के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे आपको। तो मेष लग्न की कुंडली में अगर शनि के स्थिति की बात करें, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने शुक्र की स्थिति के विषय में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करी थी। तो मित्रों, इस कुंडली में दशमेश और एकादशेश होता है शनि, और ये शनि अगर कहीं अशुभ ग्रहों के साथ न बैठा हो या कारक ग्रहों के साथ बैठा हो तो बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि इस कुंडली में शनि इनकमेश भी होता है। हालांकि इनकम उपचय भाव कहा जाता है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा शुभ फलदायी तो नहीं होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है इनकम भाव लाइफ का। तो ऐसे में दशमेश और एकादशेश यानी कर्म और राज्य दोनों की युति बनती है, यानी कि एक ही ग्रह अगर इन दोनों का मालिक होता है तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। वैसे शनिदेव है तो थोड़ा सा लोग जरूर उनके विषय में कुछ लिखते हैं, बहुत सारे अन्य ज्योतिषियों का मत और सभी के मतों में अंतर, मतांतर जिसे कहते हैं, वो जरूर रहता है। लेकिन मेरी दृष्टि में ये दोनों घरों का मालिक होकर के शनिदेव जो होते हैं वो कारक ही होते हैं। अगर इस कुंडली में राहु और केतु की बात करें तो राहु और केतु तो आप जैसा कि जानते हैं कि जिस घर में बैठे उसी घर के मालिक हो जाते हैं, और उसी के अनुरूप या जिस ग्रह के साथ बैठे तो उस ग्रह के अनुरूप स्वभाव के अनुरूप ये फलदायी हो जाते हैं। तो राहु केतु की तो सभी कुंडलियों में लगभग यही स्थिति होती है। और अगर हम बात करें कि इस कुंडली में गुरु है ना, क्योंकि गुरु के विषय में भी मैंने आप लोगों को बहुत विस्तृत बता रखा है, तो गुरु यहाँ 12वें घर का और 9वें घर का मालिक होता है। ऐसे में ये अगर शनि के साथ युक्त हो जाए, शनि के साथ अगर उसकी युति हो जाए, या फिर शनि के साथ किसी भी प्रकार का चतुर्विध जो संबंध होता है, चार प्रकार के ग्रहों के संबंध होते हैं, उसमें से किसी भी प्रकार से अगर शनि और गुरु में संबंध हो इस कुंडली में कहीं भी, तो ऐसे गुरु और शनि की युति सामान्य राजयोग जरूर बनाती है। क्योंकि नौमेश और दशमेश की युति होती है तो राजयोग तो ये संपूर्ण बनाती है, लेकिन क्योंकि इसमें इनकमेश और व्ययेश दोनों की जितना आमदनी उतना खर्चा का योग भी बन जाता है, इसलिए इस इन दोनों की युति को इस कुंडली में सामान्य राजयोग का दर्जा हमारे ज्योतिषियों ने दिया है। तो चलिए अगले एपिसोड में और कुछ बताएंगे इम्पोर्टेंट बातें। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।